कहीं नहीं है, नहीं आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में। नहीं सभी दिन नहीं आ रहा, कल लाल कथा छुड़ा ले। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, माँ का तबीयत ठीक नहीं है, शकल से ही देखिए लग रहा है रंग उड़ा हुआ है, तो माँ को जा रहे सुई भगवानी जिससे ये डरती है। कॉलेज से कह रही है नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन जबरदस्ती ले जाना क्योंकि जरूरी है दिलवाना। हाथ बहुत कट गया है माँ का, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाथ कट गया है, बहुत ज़्यादा मतलब खून भी बहा, तो इसलिए सुई टिटनस वाला जो सुई होता है वो दिलवाने जा रहे हैं। कभी कभी अजीब हो जाता है ना, पता नहीं किसका नज़र लग जाता है परिवार को। यहाँ तो माँ का तबीयत ठीक नहीं था, हाथ बहुत ज़्यादा कट गया था, जिसकी वजह से इनको लेके आए डॉक्टर के पास, और यहाँ बीपी वगैरह भी चेक करवा लिए। उसके बाद शॉपिंग करना था क्या, तो जन्माष्टमी आने वाला था, तो जन्माष्टमी का, और ये ब्लॉग जन्माष्टमी का ही होने वाला है क्योंकि हम ज़्यादा शूट ही नहीं किए हैं, क्योंकि मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था, वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और इतना सीरियस मेरा ख़राब हो गया था ना कि क्या ही बोलें, ऐसा लग रहा था कि अब हम मर जाएंगे, इस तरीके का पेन था वो। तो यहाँ पे लोटकी वगैरह लेना था पित्तल का, तो वो आए हम लोग बर्तन की दुकान पे लेने के लिए। उसके बाद पसंद नहीं आया, जितना छोटा चाहिए था मिला नहीं, तो फिर हम लोग नहीं लिए। फिर यहाँ पे आए, मेरे को मोरपंख लेना था, तो मोरपंख देख रहे थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा अच्छा था, तो यहाँ पे मोरपंख भी ले लिए। और ये कान्हा जी का जितना कपड़ा है ना लड्डू गोपाल का, देख के बहुत लालच होता है कि काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल आते। देखिए उनका कब मन करता है मेरे पास आने के लिए, और हम भी उनके लिए बहुत सारा कपड़ा खरीदेंगे। सारा तैयारी कर लिए जन्माष्टमी का, आज मेरा व्रत है, और जा रहे हैं सब लोग चले गए कंपनी, पत्तेव चले गए कॉलेज, और फिर हम सोचे थे आराम से पूजा करेंगे, क्योंकि हड़बड़ी में अच्छे से संभव नहीं है पूजा करना, क्योंकि सोचे हैं थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर देंगे जितना हो पाया। बाकी मेरा गला देख सकते हैं अभी तक पूरा फूला हुआ है, बोल भी नहीं पा रहे हैं ऐसा है, तो कोई बात नहीं, कान्हा जी सब ठीक करेंगे। तो चलिए दतुन ले लेते हैं, उसके बाद दतुन करते हैं, फिर नहाते हैं धोते हैं, फिर रेडी होते हैं। और सोचे हैं कि रेडी होने वाला इस ब्लॉग में नहीं, गेट रेडी विथ मी उस तरीके का बनाएंगे कि जन्माष्टमी के लिए कैसे रेडी हुए हम, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगा। तो राधा राजवंशी पे जाइए, फॉलो करिए, जल्दी जल्दी 1 लाख करा दीजिएगा। भाई हमारे छत के ठीक बगल में यहाँ अमरूद का पेड़ है, तो जो दतुन है ना यहीं से ले लेते हैं हम, और इसी से धो लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस दातुन ले चुके हैं, तो चलिए दातुन करके नहा के उसके बाद रेडी होके उसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस हो गए रेडी, जा रहे हैं पूजा करने, और जैसे तैसे रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं फेस पे आप लोग देख सकते हैं, गला भी देख सकते हैं कैसा हो गया, पूरा यहाँ पे स्वेलिंग हो गया, जिसकी वजह से कुछ भी मन नहीं कर रहा है, मतलब बार बार हम बैठ के कर रहे हैं, रेडी भी हो रहे थे थोड़ा सा करके बैठ जा रहे थे, तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, दवा खा रहे हैं फिर भी ठीक होने की जगह बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो चलिए चलते हैं पूजा करते। बहुत कुछ सोचे थे इस बार जन्माष्टमी पे करने के लिए, लेकिन मेरी हेल्थ एकदम से मेरा साथ दे ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा गले में पेन था ना, ऐसा लग रहा था कि जान निकल जाएगा, इस टाइप का पेन था। 3 दिन हो गया मेरे को खाए पिए हुए, मेरे से खाया तक नहीं जा रहा था, बर्थडे वाले दिन शाम से हुआ था और अभी तक था जन्माष्टमी के दिन। और आज हम सोचे थे ना कि आज अगर ठीक नहीं हुआ तो हम डॉक्टर के पास कैसे भी जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था, हद से ज़्यादा पेन। और यहाँ पे हम रेडी हो गए थे क्योंकि कान्हा जी मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल मन नहीं था बेड से उठने का, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप खाना पीना कुछ नहीं खाते हो तो क्या होता है, शरीर में ताकत ही नहीं बचता है। फिर भी मेरे लिए कान्हा जी इतने स्पेशल हैं ना, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे भी हम रेडी हो के आएँ, और उनके लिए जो जो सोचे थे उनका फ़ोटो खरीद के लाए थे, सब कुछ यहाँ पर, यहाँ डेकोरेशन किए हैं जितना हो पाया, उतने अच्छे से तो डेकोरेशन नहीं किए हैं, बट जितना हो पाया हम वैसा किए हैं। यहाँ पे ये जो है ना राधे राधे लिखा हुआ है, ये वृंदावन से लाए थे, लेकिन ये टाइल्स पे चिपक ही नहीं रहा था, बहुत कोशिश की है लेकिन चिपक ही नहीं रहा था, मन मायूस हो गया क्या करें, बार बार गिर जा रहा था। तो फिर सोचे साइड साइड में रख देते हैं राधे राधे, और बीच में रहेंगे हमारे कान्हा। तो यहाँ पर लेके आए जल वल, सब सोचे एक बार ले कर बैठ जाते हैं और फिर पूजा करेंगे। तो जितना भी सामान था ना पूजा का, एक जगह यहाँ पे कर दिए, ताकि बार बार मेरे को उठना ना पड़े, क्योंकि पूजा पे बैठ जाने के बाद मतलब उठा नहीं जाता है, तो इसलिए सब कुछ ला के रख दिए थे। फिर सबसे पहले गणेश जी से पूजा स्टार्ट किया जाता है, तो उधर से पूजा करना स्टार्ट किए,
और फिर अपने कृष्ण जी का सब कुछ कैसे किए वो आगे देखिए ब्लॉग में, और एंड तक देखिए ब्लॉग गाइज। और इस ब्लॉग में शायद कृष्ण जी का पूरा हम नहीं शेयर किए हैं कि कैसे आसन लगाएं, वो सब कुछ आपको रील्स में देखने मिलेगा, तो आप जाइए और रील्स देख लीजिए। तो यहाँ पे पूजा पाठ देखिए सब कुछ हो चुका था और बहुत अच्छे से सजा भी दिए थे कृष्ण जी को। अब बारी था यहाँ पे टीका वीका लगाने का और सब कुछ लगा लिए। फिर आरती यहाँ पे सासू माँ फूल ला के दे दी और बहुत सुंदर फूल था गुलदस्ता जैसा, दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे कृष्ण जी का गुलदस्ता भी दे दिए और भी अच्छे से यहाँ डेकोरेट कर दिए पूरा, क्योंकि मेरे कान्हा है ना उनका जन्मदिन है और जन्मदिन हम खुद का सोचते हैं इतना स्पेशल है, तो सोचिए मेरे कान्हा के लिए कितना स्पेशल होगा। तो यहाँ पूरे अच्छे से कृष्ण जी को सजा दिए। फिर अब बारी था भोग लगाने का, तो यहाँ पे केला को अच्छे तरह से गंगा जल छिटके और धो लिए और फिर यहाँ पे लगाएं भोग। और भोग में सबसे पहले पंचामृत बनाए थे वो लगाएं, उसके बाद कान्हा जी के लिए रसमलाई लेके आए थे वो खिलाएं उनको, और जितना भी मतलब मेरे से हो पाया मिठाई वगैरह सब कुछ यहाँ पे सबका भोग लगा दिए और मेरे कान्हा जी खा लिए। सो गाइज हो गया पूजा पाठ और अच्छे से तो रेडी नहीं हो पाए, इसका बहुत पछतावा है क्योंकि सोचे बहुत कुछ थे लेकिन मन ही नहीं किया करने के लिए। देख सकते हैं ऐसे ही दिख रहा है, पूरा खुला हुआ है और बोला भी नहीं जा रहा है, बट इस तरीके से रेडी हो गया कैसा लग रहा है बताइएगा। पूरा फेस पे ही स्वेलिंग है और इतना ज़्यादा पेन है कि वो हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। फिर भी व्रत आज रखना था, सब कुछ तैयारी कर लिए थे तो सोचे थे कि कैसे भी रखेंगे ही रखेंगे और रखें, कान्हा जी सब ठीक करेंगे, सब उन्हीं का है, दिया लिया सब उन्हीं का है, संसार उन्हीं का है, हम उन्हीं के हैं तो सब वहीं ठीक करेंगे। बाकी आप दोनों में मिलाइए, ये गाल भी सूजा हुआ है तो अगर शाम तक ठीक नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मेरा आवाज़ भी चेंज हो रहा है, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था, ऐसा पेन हो रहा है, मतलब रुला ही आ रहा है लेकिन रोया भी नहीं जा रहा है, पता नहीं ये कैसा पेन है। तो चलिए कुछ खा के पानी पी लेते हैं क्योंकि दवा खाना ज़रूरी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है पेन तो इसलिए। वहाँ मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतना ज़्यादा कष्ट में है, बोले ठीक है मतलब उतना नहीं है बट माँ तो माँ होती है। तो चलिए चलते हैं। शाम में भोग लगाने के लिए यहाँ पे सासू माँ हलवा बना दी थी, हम सोचे थे हम बना लेंगे लेकिन मेरा तबीयत बिल्कुल सही नहीं था और बलून भी फुला दी थी क्योंकि मेरे से नहीं फूल पाता। बहुत कुछ सोचे थे जन्माष्टमी में करने के लिए लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन कृष्ण जी के लिए जितना हो सक रहा है कर रहे हैं, हिम्मत तो कुछ भी करने का नहीं है। आप लोग ऐसे ही देख सकते हो कितना सूजा हुआ है, बोला ही नहीं जा रहा, तो बलून कहाँ से फुलाएंगे, तो माँ से बोले कि फुला दीजिए, माँ ही हलवा भी बनाई। सब सोचे थे कि हम खुद से बना के चढ़ाएंगे इस बार लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है, दर्द के वजह से उठा भी नहीं जा रहा है। तो अभी जा रहे हैं नहा लेंगे, उसके बाद आरती वगैरह करेंगे, तो चलिए नहा के आते हैं। तो यहाँ पे पूरा बलून माँ फुला दी थी, फिर सोचे कि हम डेकोरेट कर देते हैं, तो यहाँ पे मतलब जैसा सोचे थे वैसा तो नहीं कर पाए लेकिन हाँ खुद से जितना हेल्थ साथ दिया पूरा कोशिश किए कि अपने कान्हा का जन्मदिन जो है ना स्पेशल बनाए। तो यहाँ पे बलून जो है वो चिपका के और अपना जो मंदिर है उसको डेकोरेट कर दिए और बहुत प्यारा लग रहा था, और मेरे कान्हा जी भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे लग भी रहे थे नज़र ना लगे। उसके बाद यहाँ पे सबको अच्छे से टेप लगा के और इस तरीके से सजा दिए थे, फाइनल लुक आपको दिखाते हैं सजाने के बाद। तो यहाँ पे पूरा मेरा मंदिर जो है वो सज चुका था, देख सकते हैं बलून भी लगा दिए थे, फिर जो जो चाहिए था वो सब एक जगह ला के रख रहे थे ताकि ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, क्योंकि मेरे से भाग दौड़ हो ही नहीं पा रहा था। बस आप ये सोच लीजिए कि मेरे से खड़ा नहीं हो पा रहे थे हम कि हम खाना बना पाएँ। सासू माँ ही रात में खाना बनाई थी और सुबह में भी,
मतलब मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। सुबह में तो हम बना दिए थे, पतिदेव के लिए सासू माँ बना दी थी, फिर हम बना दिए थे जब वो पूजा करने गई थी तो। लेकिन रात में तो मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम खाना बनाएं, ऐसा हो गया था क्योंकि 2-3 दिन से कुछ खा नहीं रहे हैं और हम नमक नहीं खाते हैं तो मेरा ऐसे ही पूरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो 2-3 दिन हो गया था अच्छे से खाए हुए, तो बॉडी भी अब जवाब देने लगा था। फिर भी पूरा कोशिश कर रहे थे कि जन्माष्टमी तो साल में एक बार आता है, कैसे भी मेरे को स्पेशल बनाना था। तो यहाँ पे फ्लावर से ही पूरा डेकोरेट कर दिया यहाँ कान्हा जी को फिर से शाम की आरती के लिए और शाम के भोग के लिए। और शाम में भोग लगाने वाले थे हम मिठाई और जो हलवा था वो, तो यहाँ पे मिठाई नहीं हलवा का भोग लगाए थे और ड्राई फ्रूट्स ये सब का भोग लगाए थे। फिर याद आया मेरे को, यहाँ पे भजन थोड़ा सा कर लिए थे। फिर याद आया मेरे को कि हम तो तुलसी पत्ता लाए ही नहीं है जो कि मेन होता है, तो यहाँ पे तुलसी का पत्ता तोड़ लिए तुलसी जी का, क्योंकि प्रसाद में बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर आ गए मंदिर, अपने घर के मंदिर में, और यहाँ पे फिर से दीपक जलाएं। और आज आरती करना था अच्छे से मेरे को, हम तो गा नहीं पा रहे थे आरती, इसलिए हम मोबाइल में आरती लगा दिए थे और गाना बज रहा था आरती वाला, और फिर हम वहीं मन में दोहरा रहे थे। और मतलब अपने से नहीं गा पाओ तो वैसा फील नहीं आता। फिर यहाँ लाइट भी कट हो गया था, फिर यहाँ पे हम फ्लैश जलाएं अपने मोबाइल का, और फिर हम धूप यहाँ जला रहे थे क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को जब तक धूप ना जलाए ना तब तक सुकून ही नहीं आता। तो धूप जलाने के बाद यहाँ पे भोग के लिए हलवा था वो निकाल रहे थे, और सिंघाड़ा का जो हलवा होता है ना, सिंघाड़े के आटे का वो हलवा था, तो वो भोग लगाने के लिए इस तरीके से निकाल लिए और इसमें अच्छे से ड्राई फ्रूट वगैरह वो डाल के सजा लिए थे, और जो केला था एक वो चढ़ा दिए थे। तो सब कुछ अच्छे से शाम में भी हम भोग लगा दिए थे, लेकिन हम सोचे थे कि मखाना का जो है खीर भी बनाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा एकदम से हिम्मत नहीं हो रहा था बनाने का, खड़ा होने का। तो इसलिए हम सोचे कि अच्छा कोई बात नहीं, जब हम सही हो जाएंगे तो बाकी तो कृष्ण जी भाव देखते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से उनको हलवा खिला दिए, और फिर सोचे हम अपने हाथ से भी खिलाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे अपने हाथ से भी उनको खिलाए थे हलवा थोड़ा सा, और मेरे कृष्ण जी खा लिए होंगे हमको पता है। फिर यहाँ पे लाइट भी आ गया था, लाइट आने से ठीक रहता है कि पूरा दिखता है, और लाइट कट जाने से ना पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे धूप जो है ना अच्छे से जल ही नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे इसको निकाल के फिर से जलाएं तो जल गया था। फिर निकल गए हम हॉस्पिटल के लिए क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था, पेन के वजह से ना फीवर जैसा भी आ जा रहा था, यहाँ बहुत तेज़ बारिश भी हो रहा था देख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ जा रहे थे, एकदम सिर में दर्द हो रहा था उसकी वजह से। यहीं हम सासू माँ से बोल भी रहे थे कि पता नहीं अचानक क्या हुआ, समझ ही नहीं आता। और एक चीज़ है, हम कितने भी पेन में रहे ना, मेरा स्माइल फेस का नहीं जाता, और भगवान करे ऐसे ही ना जाए मेरे फेस पे स्माइल हमेशा रहे। हम बहुत कम है जो मुंह बना के बैठे रहते हैं, नहीं तो हमेशा हम हंसते ही रहते हैं क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है हंसना। उसके बाद पहुंच गए हम लोग TMH, और यहाँ गए लोग हम लोग दिखाने, बहुत टाइम लग गया। पता है घर पे लगता है कि सिर्फ हम ही बीमार हैं, और हॉस्पिटल जाओ तो लगता है कि बाप रे कितने लोग बीमार हैं, इतना ज़्यादा भीड़ था, इतने लोग दिखाने आए हुए थे। तो फिर हम लोग भी काफ़ी लेट लगा था, बहुत टाइम लगा, फिर दिखा के घर चले गए। कल आ गए थे हॉस्पिटल से घर, लेकिन कुछ भी सूट नहीं किए क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर दवा वगैरह खाएं तो रिलीफ है, अभी देख सकते हैं हम अच्छे से अभी बोल पा रहे हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। स्वेलिंग अभी कम नहीं हुआ है लेकिन ठीक हो जाएगा। और वहीं मतलब गए ना दिखाने, तो दवाई सेम ही लिखी है, पापा पूछ के बताए थे जो टीपी सिंह अंकल हैं, तो वो टीपी सिंह डॉक्टर जो आ रहे हैं वो जो दवाई लिखे थे सेम वही दवाई ये भी लिखी है कुछ कुछ, तो वो दवा तो हम खा रहे हैं तो ठीक हो जाएगा जल्दी से। और एक गाइस बात बोलना चाहते हैं, कभी भी आपको कुछ भी मेडिकल इशू हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिल लिया करिए, इसीलिए हम भी मिल लिए क्योंकि कुछ छोटा छोटा चीज़ से ही बड़ा रोग हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी कुछ भी हो उसको इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि अचानक से बड़ा रोग पता चल रहा है कि बड़ा रोग हो गया है, इसलिए थोड़ा भी कुछ हो आपको तो आप जाके डॉक्टर से मिलिए और फिर अपना हेल्दी रहिए, सब लोग हेल्दी रहे यार, कोई बीमार ना पड़े। तो चलिए, आज इतना बारिश हो रहा है मतलब कान्हा जी का जन्म हो चुका है, सुबह नहीं रात से ही बारिश पूरा हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं फिर से कृष्ण जी का जो है भोग लगाने, पूजा पाठ करने, और कल व्रत में भी थे तो आज पारण भी है मेरा। तो दिखाते हैं, बारिश एकदम तेज़ हो रहा है। सो गाइस देख सकते हैं बारिश हो रहा है,
और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे कान्हा जी आए हुए हैं और मेरे को मंदिर भी जाने का मन है क्योंकि वहाँ जो लड्डू गोपाल रहते हैं उनका उनको झूला झुलाते हैं। जब से शादी करके आए हैं ना तो मंदिर जाते हैं तो उनको झूला झुला देते हैं। तो इस बार बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पारण वारण कर लें, उसके बाद जाएं और झूला के आ जाएं। एक बार तो झूलाने का मन है मेरा। और आज भी बहुत लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं गला सूख रहा है, चलिए बाद में बात करें। फिर आ गए पूजा रूम में और बलून गिर गया था तो सोचे चिपका दे, लेकिन ये बलून बार बार गिर जा रहा था तो फिर हम एक दो बार चिपकाएं, फिर हम साइड में ही रख दिए क्योंकि फिर आरती करके दिया जलाएंगे तो फिर जल वल ना जाए, इसलिए हम सोचे कि अब नेक्स्ट टाइम गिरेगा तो हम साइड रख देंगे। और हम साइड रख भी दिए थे। और ये वाली साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मेरे को ये साड़ी, ये कलर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हम अपने पसंद से ही खरीदे थे, शादी के पहले ही लेके आए थे ससुराल और अभी तक पहने नहीं थे तो हम सोचे पहन लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम कुछ कुछ ढूंढ रहे थे, फिर पूजा पाठ करके पहुँच गए मंदिर। घर पे पूजा कर लिए थे, रिकॉर्ड उतना नहीं किए थे। मंदिर इतना अच्छा से सजा हुआ था पूरा बलून वगैरह लगा के ना कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ हैं हमारे लड्डू गोपाल, तो चलिए दिखाते हैं अपने लड्डू गोपाल को। और फिर हम उनको आरती, मतलब आरती तो नहीं, धूप लेके गए थे, धूप दिखाएं। फिर इनके मुँह पर ही कोई फूल रख दिया था तो हम वो सब फूल को साइड किए ताकि वो दिखें, उनका दर्शन हो पाए। और फिर हम भी उनके लिए फूल लेके आए थे तो वो फूल चढ़ा दिए थे और तुलसी पत्ता लेके आए थे वो भी चढ़ा दिए थे और फिर धूप जला दिए थे। मतलब मेरे को इतना खुशी हो रहा था ना लड्डू गोपाल को देख के, क्या ही बताएं। ऐसा हमेशा फील होता है काश मेरे पास भी होते, काश। देखिए कब मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास आते हैं, सब उन्हीं का महिमा है। उनके मन के बिना कोई लेके नहीं आ सकता है, मेरा तो यही मानना है। तो यहाँ पे बाहर में धूप और अगरबत्ती रखा जाता है तो दिखा के फिर हम बाहर में रख लिए थे। फिर यहाँ पे बैठे हुए थे तो आ गई गेली, यहीं बैठ गई गेली। जन्मदिन है। फिर यहाँ बहुत देर तक बैठ के और अपने कान्हा जी का लल्ला को बहुत झूला झूलाएं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे गेली जो है ना मेरे को बहुत प्यार करती है और हम भी बहुत प्यार करते हैं गेली से। तो यहाँ पे हम गेली से भी बोले इस तरीके से पकड़ लो और यहाँ पे हम लोग झूला झूला रहे थे और गेली को समझ में नहीं आ रहा था, हम बोले कैमरा की तरफ देखो, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। फिर आ गए घर पर और यहाँ पर पारण कर रहे थे तो यहाँ पर कृष्ण जी को नमन करके और फिर हम यहाँ अपना व्रत जो है वो तोड़े। तो चलिए गाइस दवा खा लेते हैं। नाश्ता तो कर लिए हैं, दवा खाना बाकी है। और गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो अभी नहीं आया है क्योंकि गले में प्रॉब्लम था, बोल नहीं पा रहे थे। अगर आज टाइम मिला तो आज शूट कर लेंगे। तो देखिए कब टाइम मिलता है और कब आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। ये देखिए दवा लाल रंग का है। फिर यहाँ पे बेड जो है ना वो बेडशीट हटा दिए थे जन्माष्टमी वाले दिन ही, लेकिन हम बेडशीट नहीं बिछा पाए थे, इतना तबीयत ख़राब था कि कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का। तो आज हम बेडशीट बिछा दिए थे। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और बहुत ही पेनफुल रहा इस बार का जन्माष्टमी, लेकिन कान्हा ठीक भी कर दिए। तो चलिए ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे आप सभी को।